नमस्कार, मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ये सत्र है ये साइंस का है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे हम बताते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम जी, सर हैं पीजीटी बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज से, लखनऊ यूपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हम आपको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर आप कॉल कर सकते हैं। और एक और ज़रिए से आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है dth.class10@cet.nic.in पर आप हमें मेल के ज़रिए अपने प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं G20 से रिलेटेड। We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो आइए शुरुआत करते हैं सत्र का और रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार सर की तरफ। सर आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। जी मैम, धन्यवाद। जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, अर्थात नियंत्रण और समन्वय। वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके आधार पर पूरे शरीर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के किस प्रकार से एक प्रकार से नियंत्रण और समन्वय किया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज के पूरे सत्र के दौरान हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में एक निश्चित तंत्र पाया जाता है जिसकी वजह से हम अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, या बाहर के जो भी कुछ चेंजेज हो रहे हैं, जो कि हम स्टिमुलाई कहते हैं, जो बाहर चेंज हो रहे हैं, उन चेंजेज के रिस्पॉन्स में हमारा आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है और वो कौन सा सिस्टम है जो हमारे शरीर को तैयार करता है इन सब परिवर्तनों के लिए। सो चलिए हम आज का ये सत्र शुरू करते हैं। और पहले आपको कुछ ऐसे हम बताना चाहेंगे शुरुआत की इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हमारे जो बॉडी में जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक जिससे वो सराउंडिंग से एनवायरनमेंट में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उसके रिस्पॉन्स में वो रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने बच्चों देखा हो बचपन में एक एक्टिविटी की हो कि कभी कोई बीजों को या सेम के दानों को मिट्टी में आपने अगर बोया हो तो आपने देखा होगा कि उससे नवीन अंकुर के रूप में नवोद्भिद बाहर निकलते हैं और उनमें आपने धीरे धीरे देखी होगी कि किस प्रकार से ग्रोथ होती जाती है और एक सप्ताह के अंदर आपको अच्छा खासा विजिबल एक प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसके बाद जब प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है तो आप उसमें देखते होंगे कि किस प्रकार से वो परिवर्तन शो करता है, मतलब आपको एक प्रकार की ग्रोथ। तो ये ग्रोथ हुई जो कि हम किसी भी सीड के जर्मिनेशन के दौरान देखते हैं, या हम ऐसी ग्रोथ को एक प्रकार की ग्रोथ मूवमेंट कह सकते हैं, या हम वृद्धि वाली गति कह सकते हैं। लेकिन कुछ गतियाँ ऐसी भी होती हैं जो हम और आप लोग आमतौर पे अपने जीवन में देखते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम कहीं जा रहे होते, एकदम बिल्ली दौड़ती हुई जाती है, तो हो सकता है कि उसके पीछे एक कारण ये हो कि बिल्ली ने
जैसे ही चूहे को देखा तो बिल्ली ने स्वतः उस चूहे को पकड़ने के लिए अपने दौड़ना स्टार्ट किया। ऐसे ही दूसरे रूप में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रुमिनेंट एनिमल जो घास खाते हैं और उसके बाद जुगाली करते रहते हैं, अर्थात बैठे बैठे चबाते रहते हैं अलग अलग हर्बेशियस मटेरियल को जो भी उन्होंने भोजन के रूप में लिया। या आपने बच्चों अभी बारिश के बाद सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में आपने झूले का आनंद लिया होगा, तो झूले का जब आप आनंद लेते हो तो उसमें भी आप पेंगे मारते हुए या झूले के साथ झूलते हुए मूवमेंट लोकोमोशन शो करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो गतियां हैं ये अलग अलग जो भी बदलते हुए इन्वायरमेंटल चेंज के आधार पर हो सकती हैं, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइदर दे मे बी द प्लांट और एनिमल प्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सो नाउ ए क्वेश्चन बीइंग अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज स्टिमुलस। सो प्यारे बच्चों, स्टिमुलस इज द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो आपको, हमें सबको ये महसूस होता है कि गर्मी पड़ रही है। ये हमारे शरीर में, आपके शरीर में अलग अलग सेंस ऑर्गन हैं और उनके अलग अलग काम डिफाइंड हैं। कुछ सेंस ऑर्गन हमें गर्मी के बारे में सूचना देते हैं, कुछ हमें ठंडी के बारे में देते हैं, कुछ हमें प्रेशर के बारे में देते हैं, कुछ हमें पेन के बारे में अर्थात दर्द के बारे में देते, और कुछ हमें स्वादिष्ट भोजन की स्मेल और टेस्ट के बारे में सूचना देते हैं। तो उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं और इनका अलग अलग काम होता है। तो आपको बच्चों ये बात अब समझ में आ गई होगी कि द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। इट मे बी लाइट, आपने देखा होगा जब आप कभी पिक्चर हॉल देख में पिक्चर देखने गए होंगे तब तो आपने देखा होगा जैसे ही पिक्चर हॉल में प्रवेश करते होंगे अंधेरा छा जाता, थोड़ी देर के बाद आपके आपके आंखें और आपका शरीर एडजस्ट करता और फिर आप चलने में सफल हो पाते, या कोई व्यक्ति आपकी आंखों के ऊपर एकदम टॉर्च की रोशनी मार देता तो उस समय थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपने आप को एडेप्ट करते हैं और आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जब कोई गर्म ऑब्जेक्ट आपको छू जाता है या फिर आपके सराउंडिंग में गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है, आपके शरीर में संवेदन सूचना भेजते हैं कि ठंडी है, गर्मी है, या आपके आसपास शोर हो रहा, या आपके आसपास अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल, या कोई जब आपको टच करता है तो आपको पता चलता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे कि प्लांट और एनिमल जो अलग अलग स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों, हमारे शरीर के अंदर बदलती हुई बाहरी परिस्थितियों के अनुसार एक अंदर की मैकेनिज्म होती है जिसके आधार पर हमारा शरीर इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रहता है। मतलब एक टेंडेंसी जिसके आधार पर शरीर इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखता है उसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस टर्म वाज गिवन बाय वाल्टर कैनन। और अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं और जिसकी वजह से हम सक्सेसफुली इस धरती पर रह पाने में सफल होते हैं। एक सिस्टम जो बहुत तेजी के साथ काम करता है, बहुत ही तीव्रता के साथ काम करता है, फास्ट वे में काम करता है, उस सिस्टम का नाम नर्वस सिस्टम, हिंदी में जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एक दूसरा सिस्टम है जिसे हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं या अंतर स्रावी तंत्र। और इंडोक्राइन सिस्टम की विशेषता होती है कि ये जो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर के अलग अलग भागों में कुछ ऐसी ग्लैंड पाई जाती हैं जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती, अर्थात ऐसी ग्लैंड को बच्चों डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं या दूसरे शब्दों में इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड अपने अंदर से जो सिक्रीशन निकालती हैं, जो श्रावण निकालती हैं, उस श्रावण को या उस सिक्रीशन को हम हॉर्मोन कहते हैं।
और इस हार्मोन को ही एक सरल भाषा में हम और आप लोग जानते आ रहे हैं केमिकल मैसेंजर के रूप में, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं के आदान प्रदान में या सूचनाओं के वाहक के रूप में या केमिकल मैसेंजर के रूप में या केमिकल के दूत के रूप में काम करते हैं। तो कुल मिला के तंत्रिका तंत्र और अंतरस्रावी तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके, अर्थात जिन्हें हम न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, मिलके हमारे शरीर की अच्छे से फंक्शनिंग में मदद करते हैं। और कह सकते कि एनिमल में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। दोनों थोड़ा सा अलग इसलिए काम करते हैं क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत तेजी के साथ काम करता है, क्विकली काम करता है, विद इन सेकेंड मिनट के अंदर ये काम करता है। हार्मोनल रिस्पॉन्स में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दोनों का टारगेट है हमारे शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करना। आप जैसा कि इस स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जिसे हमने आपके साथ शेयर किया है, कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी तंत्रिकाओं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं उनका जाल फैला हुआ है। ये तंत्रिकाएं ठीक वैसे ही हमारे आपके शरीर में फैली रहती हैं जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घरों में बिजली के अलग अलग तार फैले रहते हैं और जिनके आधार पर आप जब स्विच ऑन करते हैं तो विद इन सेकेंड बिजली का बल्ब जल जाता है। ऐसे ही ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैली रहती हैं और हमारे शरीर में अलग अलग सेंसरी ऑर्गन या संवेदन शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये लोकेटेड रहते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इसके अंतर्गत वैसे हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत एक नर्वस सिस्टम का भाग जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। दूसरे पार्ट में नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है और इसके अंतर्गत ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरे में सोमेटिक नर्वस सिस्टम के को रूप में हम देखते हैं। अर्थात ये मिलके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। इस पे अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जी दूसरे सर सिस्टम जी मैम सर हम yes. आप नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं तो कुछ छात्रों ने जानना चाहा है रिसेप्टर्स के बारे में, तो सर इससे तात्पर्य क्या है और इसका कार्य क्या होता है सर? यस मैम, बच्चों हमारे आपके शरीर में बाहरी बदलते वातावरण की सूचना कैसे पहुंचे इसके लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जो सूचना को हमारे नर्वस सिस्टम अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजने में मदद करती, वो रिसेप्टर कहलाते हैं। जैसे हमारे हाथ में पाए जा सकते हैं वो टच रिसेप्टर हो सकते हैं या हमारी नाजल पासिज में पाए जा सकते हैं रिसेप्टर जिन्हें हम स्मेल वाले रिसेप्टर अर्थात ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कह सकते हैं, या फिर वो रिसेप्टर जो हमारी जीभ में पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम और आप लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं या फिर तीखे भोजन को हम बता पाते हैं कि ये भोजन तीखा है। कुल मिला के ये रिसेप्टर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं या कोशिकाओं के समूह हैं जो अलग अलग शरीर के हिस्से पे पाए जाते हैं और हमें और आपको ये सूचना देने में सफल रहते हैं कि हम किसी चीज़ को जब टच करते हैं या किसी चीज़ को सूंघते हैं या किसी चीज़ का टेस्ट बताते हैं या कोई प्रेशर का हम बदलाव होता है तो हमारे आपके शरीर को पता चलता है, या जब कोई पिंच हो देता है या कोई चोट लगती है तब हमारे शरीर को इसकी सूचना दी जाती है। तो रिसेप्टर हमारे नर्वस सिस्टम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जिनकी मदद से सूचना को फिर न्यूरॉन अर्थात नर्व सेल तक भेजा जाता है और फिर नर्व सेल जाके उसको ब्रेन तक भेजती है और फिर ब्रेन से मिले हुए ऑर्डर को फिर हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जी सर कुल मिला के जी मैम जी सर हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स क्या हैं और इन दोनों में क्या अंतर है सर? जी प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें हमारे बच्चे कई बार
कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीजें हैं। देखिए बच्चों याद करिए, अगर पिछले हम लाइव इंटरेक्टिव सेशन की बात करें, पिछले सप्ताह हमारी आपकी चर्चा हुई थी कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो मेरे आपके शरीर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है, और उस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया था हमने एक्सक्रीटी सिस्टम, और एक्सक्रीटी सिस्टम में हमने कुछ आपको किडनी के बारे में बताया था कि दो किडनी होती हैं और इन किडनी में बहुत संख्या में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब नेफ्रॉन वो कोशिकाएं होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स होती हैं जो कि किडनी बनाती हैं, तो ये एक्सक्रीशन में मदद करती है, वो होते हैं नेफ्रॉन। अब अभी हमने आपसे बात की न्यूरॉन, न्यूरॉन दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये स्ट्रक्चरल सेल्स कहलाती हैं जो नर्वस सिस्टम बनाती हैं, अर्थात न्यूरॉन्स वो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम हिंदी में तंत्रिकाएं तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में इनका नाम आता है। कई न्यूरॉन की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर के आसपास भी हो सकती है। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग अलग हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और एक्सक्रीशन में मदद करने वाली सेल नेफ्रॉन और नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने वाली सेल न्यूरॉन कहलाती है। जी सर, हम मैं जी सर सर एक प्रश्न सर एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी सर, जैसे कि हमारी बॉडी में इतने सारे तंत्र हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, सबका अलग अलग कार्य है और नर्वस सिस्टम भी है, तो हमारी बॉडी को कुछ संकेत भी मिलते हैं सर, तो वो क्या संकेत हैं, किस तरह से मिलते हैं संकेत, सब वो जानना चाहेंगे हम। देखिए हमारे शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनको एक तारतम्य में मिला के, एक कोऑर्डिनेटेड वे में मिला के, और एक सही ढंग से जो भी हमारे शरीर की एक्शन है उनको परफॉर्म करने में नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि एक अगर हमें कहीं कोई मैसेज भेजना होता है, एक वो है जो कि हम मान लीजिए कोई चिट्ठी लिख दें, लेटर भेजें तो 2 दिन 4 दिन कुछ समय लग सकता है, मतलब ये कहने का मतलब है, लेकिन एक वो है तुरंत हम मैसेज भेज दें, तुरंत टेक्स्ट मैसेज मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप या अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भेजें तो वो तुरंत विद इन सेकेंड पहुँच जाएगा। तो नर्वस सिस्टम क्विकली काम करता है, और इंडोक्राइन सिस्टम भी वैसे ही टारगेट पे जाके अपने हार्मोन की मदद से काम करने में मदद करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है नर्वस सिस्टम की अपेक्षा। दोनों मिलके हमारे शरीर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने में मिलके काम करते हैं, यानी हमारे केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं सर हमारी बॉडी में ये। बिल्कुल, जो इंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उनसे जो सिक्रीशन निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं, और हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है एक नाम, और जो नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत रिसेप्टर हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे किसी को पिन चुभोएं तो हमारे हाथों में या हमारे स्किन पर रिसेप्टर होते हैं, वो तुरंत सूचना देते हैं हमारे शरीर के जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं उन तक सूचना पहुंचती है, और वहां से सीधे सूचना ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है कि किसी ने पिन चुभोया, और तुरंत हाथ को बाहर खींचा जाता है। मतलब नर्वस सिस्टम बहुत क्विकली काम करता। आपने देखा होगा कुसुम मैम कि जब हम लोग चले जा रहे होते हैं एकदम कभी रास्ते में हमें गड्ढा मिल जाता तो हम लड़खड़ाते हैं, लेकिन तुरंत ही रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में नर्वस सिस्टम का एक प्रकार की गतिविधि है जिसमें हम अपने आप को तुरंत बैलेंस करते हैं और फिर अपनी यात्रा को करते हैं। या कभी कोई गर्म ऑब्जेक्ट छू जाता है तो विद इन सेकेंड हम उसको हटाते हैं अपने हाथ को, नहीं तो हम इंजर्ड हो सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाता है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत एक एक्शन होती है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बिल्कुल सर, मतलब यानी हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है सतर्क हो जाता है, हमारी नर्व्स उसे संदेश भेज देती हैं, जैसा कि आपने बताया कि गर्म या ठंडा भी हमें पता लग जाता है, और कई बार होता है कि हम जा रहे होते हैं तो कहीं कोई धूल का कण या कोई मच्छर वगैरह जो हमारी आंखों के आगे होता है तो हम सतर्क हो जाते हैं, उसको हटाते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सर। बिल्कुल कुसुम मैम, हम देखा होगा हम कभी कभी दुखी होते हैं, हम कभी कभी खुश होते हैं, हमारी जो मानसिक जो भी संवेदनाएं हैं वो बदलती रहती हैं, इनके पीछे भी बहुत कुछ हार्मोन का रोल होता है।
तो ये हार्मोन है जो हम कह सकते हैं कि ये हमारी मानसिक स्थिति को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। मतलब अगर हम और आप लोग बैठे हैं और एकदम कोई हथियार लेके आ जाए और हमारे ऊपर आक्रमण करे, तो हमारा बॉडी को ये हार्मोन ही तैयार करते हैं कि हम या तो उनसे फाइट करें या फिर अपने बचाव के लिए हम छिपें या फिर हम दौड़ के भाग जाएं। तो ये जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, या फिर आपने और हमने देखा होगा डाइट में हम लोग अपने देखा होगा आयोडाइज साल्ट को लेते हैं, तो ये हमारे शरीर की जो अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे एक थायराइड ग्लैंड है जिससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, वो कहीं ना कहीं से आयोडीन के मेटाबॉलिज्म में काम करती। एक हमारे शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता, वो शुगर के मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करता। ऐसे एड्रिनल ग्लैंड है, ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करती जो इमरजेंट कंडीशन में मेरे आपको तैयार करती। तो ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर है, ये इंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन कह सकते हैं हमारे शरीर के एक प्रकार की गति बनाए रखने में, पेस ऑफ दी लाइफ बनाए रखने में, सही ढंग से काम करने में मदद करती। तो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही फैसिनेटिंग सिस्टम है जो मिलके हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने में मदद करती। जी सर जी, तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है, और अब आप ये सब समझने में निश्चित ही कामयाब होंगे कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एनवायरनमेंट से, और इसके लिए अलग अलग बॉडी में ऐसी कोशिकाएं या पार्ट होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर के माध्यम से लेते हैं, और फिर मसल और ग्लैंड की सहायता से ये काम करवाता है चाहे, और इसके बाद न्यूरॉन जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे, सबसे लंबी सेल होती है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं कुसुम जी, कुछ रिसेप्टर जो जैसे अभी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे, तो उनके शरीर में एक रिसेप्टर होता है जो इनर ईयर के रूप में होता है, तो जो ईयर है, ईयर इज द फोनो रिसेप्टर, फोनो मतलब साउंड लेता है, और इसका काम है हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा फोटो रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन द आई, सो इन द आई देयर आर द रॉड्स एंड कॉन, टू टाइप ऑफ द सेल आर फाउंड, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल स्टिमुलस। देयर आर द थर्मो रिसेप्टर, थर्म मीन्स टेम्परेचर, सो दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई, एंड दीज रिसेप्टर आर ऑल्सो नोन एज थर्मो रिसेप्टर। देयर आर द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सो दीज आर प्रेजेंट इन नोज, सो दीज रिसेप्टर रिसीव द स्मेल, एज वेल एज देयर आर द गस्टेटरी रिसेप्टर, सो गस्टेटरी वर्ड मीनिंग द टेस्ट, सो दीज आर प्रेजेंट इन द टंग, सो वेरियस रीजन ऑफ द टंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड, आइदर इट इज स्वीट और सावर, खट्टा है और बिटर, सो दीज हेल्प इन द टेस्ट डिटेक्शन, सो दीज रिसेप्टर गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट चेंजिंग सिचुएशन और चेंजिंग इन द एनवायरमेंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट न्यूरोन, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड अगर स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरोन की, तो आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम भी बनाने के लिए आपको आता है, इसके आपको आज प्रैक्टिस करिएगा। एक न्यूरोन होता है, न्यूरोन के आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर की तरफ एक स्वेलिंग बॉडी पाई जाती है जिसे साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। इस साइटोन या सेल बॉडी से ट्री की ब्रांचेज की तरह बहुत सारी स्ट्रक्चर निकलती हैं जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं, और सेल बॉडी या साइटोन में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल बॉडी या साइटोन से अभी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं एक्जॉन, और एक्जॉन जो अंत होता है, इसका एंडिंग होती है, वो नर्व एंडिंग के रूप में होती है। अगर हम न्यूरॉन को अगर बच्चों कहें, तो न्यूरॉन के ऊपर एक प्रकार की सीथ पाई जाती है, जैसे आपने बिजली के तारों के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग देखी होगी, ऐसी ही एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन न्यूरॉन को एक्जॉन वाले भाग को सराउंड करती है, मतलब इसको। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि कहीं कहीं पर ये जो कंटिन्यूस नहीं है, अर्थात कहीं कहीं पर ये जो न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन है ये नहीं पाई जा रही, तो उसे हम नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आप अब ये जानने में सफल हुए होंगे कि न्यूरॉन के एक भाग डेंड्राइट होता है
इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, प्राप्त करना। दूसरा भाग साइटोन कहलाता है, इसे हम दूसरे शब्दों में सेल बॉडी भी कहते हैं, और इसका काम है कि जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन आगे की तरफ भेजना, अर्थात इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे की तरफ ट्रेवल होने में मदद करना। और तीसरा भाग डेट इज नोन एज एक्जॉन। एक्जॉन पूरे न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एज एक्जॉन। एंड एक्जॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स आइदर टू द अनदर न्यूरॉन और टू द सेम न्यूरॉन सो और टू द मसल सेल। सो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन मसल तक अपने सूचना को भेजता है, और जो न्यूरॉन्स एक्जॉन की जो एंडिंग होती है वो जाके मसल पर जाके रेस्ट करती है और फिर आगे चलती है। अभी आप देखोगे कि किस प्रकार से न्यूरो मस्कुलर ज्वाइंट बनता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूरॉन्स ये एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, और आप देख रहे होंगे कि इस न्यूरॉन में एक्जॉन वाले भाग पर माइलिन की एक शीथ पाई जा रही है और ये एक प्रकार की इंसुलेशन की तरह काम करती है। और ऐसे फाइबर जिनमें माइलिन की शीथ पाई जाती है उन्हें हम माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं, और जिन न्यूरॉन के फाइबर के ऊपर माइलिन की शीथ नहीं पाई जाती उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं। जी सर। और ये देखा जाता है बच्चों की जो माइलिनेटेड फाइबर होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स नॉन माइलिनेटेड फाइबर की अपेक्षा तेजी के साथ होता है, फास्टर वे में होता है, और जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है वहां नॉड ऑफ रेनवायर कहते हैं। सुशील सर, सर बहुत बढ़िया सत्र चल रहा है, हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हम इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत कुछ समझने और जानने के लिए है। सर प्रश्न भी हमारे स्टूडेंट्स और लर्नर्स के बहुत सारे हैं जो हम अगले सत्र में लेने की कोशिश करेंगे। सर तो सर हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इस इतने ज्ञानवर्धक और रोचक सत्र को हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, और जाने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर 2023-24 आर अवेलेबल, और ये सारी बुक्स एनसीईआरटी के सेल काउंटर्स पर उपलब्ध हैं। अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी से के सेल काउंटर से आप ले सकते हैं। पूरे दिन खुली हुई हैं, प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली हुई हैं। और आप यदि ऑनलाइन माध्यम से बुक्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, वो है ncertbooks.ncert.gov.in, और ये बुक्स आपको बिल्कुल विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस आप तक पहुँचाई जाएंगी। और यदि आप चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ वर्जन पर आपको मिले तो उसके लिए आप ईमेल आप नोट कीजिए, आप एनसीईआरटी दीक्षा ई पाठशाला और मोबाइल ऐप पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑथराइज्ड वेंडर्स तक पहुँचने के लिए आप वेबसाइट नोट कीजिए ncert.nic.in, पर जाके आप तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और आपको जो जिन लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स नहीं मिली हैं वो बहुत ही आसानी से किसी भी माध्यम से, हमने बताया, या तो आप सेल काउंटर्स पे जाएं या ऑनलाइन माध्यम से या पीडीएफ वर्जन से आप सारी बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर, क्योंकि कुछ ही देर के बाद ई विद्या चैनल नंबर 10 पर ही हम लेकर आएंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का सत्र। वो है आज का जो चैप्टर है, पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत, ये है चैप्टर। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा ई विद्या चैनल नंबर 10 से। तो हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए ई विद्या चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।